दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही टेस्ट सीरीज का पांचवा मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जो शायद अब दोबारा जल्द ही खेला भी जाएगा। और इसके बाद रातों रात भारतीय टीम आईपीएल के लिए दुबई रवाना हो चुकी थी। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीतेगी, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में पांच टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें भारतीय टीम ने 21 से अंग्रेजों पर बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन दोस्तों पांचवा टेस्ट शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया। दरअसल भारतीय फिजियोथेरेपी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस मैच को खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद इस मैच को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और ये मुकाबला कब खेला जाएगा, इस बात की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए अब तो भारतीय टीम ने आईपीएल को खेलने के लिए दुबई जाना ही बेहतर समझा। आपको बता दें कि टीम इंडिया अपने सभी खिलाड़ियों के साथ दुबई पहुंच चुकी है, क्योंकि 19 सितंबर से आईपीएल का आयोजन होना है और जिसके लिए सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से निपटना होगा, इसीलिए भारतीय टीम दुबई भी पहुंच चुकी है। भारतीय खिलाड़ी आईपीएल के लिए अपनी अपनी टीमों के कैंप से जुड़ सकेंगे। जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका के साथ दुबई में देखे जा रहे हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव और उनकी पत्नी ने भी दुबई पहुंचने के बाद तस्वीरें पोस्ट की है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि आईपीएल को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन को भी दुबई में देखा जा चुका है। इससे साफ हो गया है कि भारतीय टीम तो दुबई पहुंच ही चुकी है और जल्द ही अब खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें तो पहले ही दुबई पहुंच चुकी हैं और अपनी प्रैक्टिस में भी लग चुकी हैं, क्योंकि ये आईपीएल का दूसरा चरण काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जहां सिर्फ भारतीय स्टार खिलाड़ी अपने टीमों को अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी अपनी चेन्नई सुपर किंग्स टीम को खिताब जितवाने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में लग चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा की कोशिश तो ये होगी कि 30 बार मुंबई इंडियंस की टीम को खिताब जिताकर आईपीएल के इतिहास में अलग ही कीर्तिमान हासिल करें। कि दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान संभाल रहे विराट कोहली यही चाहेंगे कि पहली बार अपनी टीम को आईपीएल का खिताब जितवाएं। वैसे अगर इस सीजन की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है। विराट कोहली किस टीम में अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं और फैंस का यही मानना है कि शायद हो सकता है कि आईपीएल 2021 का खिताब इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपने नाम करे। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत भी कप्तानी में खुद को साबित करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआती 8 मुकाबले खेलने के बाद 6 में जीत दर्ज की है और दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी अब दुबई पहुंच चुके हैं, आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2021 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोई और? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।